मेरे प्यारे दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ठंड शुरू हो गई है, हम लोग फटाफट अपने वुलन कपड़े निकाल रहे हैं। वो वुलन कपड़े जिनको हमने पिछले साल ठंड ख़त्म होने के बाद हमने अपने बड़े बड़े बक्सों और ट्रंकों में डाल दिए थे। साथ में हमने डाल दी थी ये मॉथ बॉल या नेफ्लिन की बॉल। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर कोई गलती से ये नेफ्थलीन बॉल या फिनोफ्थलीन बॉल या फिनाइल की गोली जिसे साधारण भाषा में कहते हैं, अगर वो खा ले तो उसका क्या करना चाहिए। ज़्यादातर ये गोलियाँ जो होती है छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैक करती है। बच्चे उसको देखते हैं, माँ का ध्यान कहीं और गया, फटाक से गोली उठाई और उसको अपने मुँह में डाल ली, और उसके बाद जब माँ पता चलता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब क्या किया जाए। अव्वल तो हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम नेफ्थलीन बॉल को रखें कपड़ों के बीच में, जो कि रखना ज़रूरी भी होता है, तो उसको यहाँ वहाँ ऐसे करके ना फेंके, बल्कि उसको एक पुड़िया में डाल करके हम उसमें रखें, एक कॉटन की थिन कॉटन फैब्रिक में, जिससे कि बेसिकली ये बॉल जो होता है वो जो एयर के संपर्क में आता है तो उसमें जो फ्यूम्स निकलते हैं, यही फ्यूम्स पूरे कपड़ों के अंदर समा जाते हैं, जिससे कि उसमें मौत या छोटे छोटे कीड़े हैं वो नहीं लगते हैं और आपका फैब्रिक प्रोटेक्टेड रहता है। तो फिर हम लोग ज़्यादा करते क्या है, एक ट्रंक लिया, उसमें वुलन कपड़े रखे और यहाँ वहाँ इस बॉल को छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं, मतलब जिससे कि वो और फिर उसको खोलते हैं हम एक साल के बाद। जब हम खोलते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि माँ देखो क्या निकाल रही है, और उसको खा लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग सुसाइडल टेंडेंसी जिनमें होती है उसको भी लेकर के मैंने केसेस देखे, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, 10 से 15 गोलियाँ या 20 गोली नेफ्थलीन बॉल के खा के चले आते हैं। आखिर ये नेफ्थलीन बॉल शरीर के अंदर जाके करता क्या है? ये नेफ्थलीन बॉल जा करके शरीर में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसको मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, और उस जो हमारी रेड कोशिकाएँ उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, और वो शरीर में ये जो मेथ हीमोग्लोबिन है ये जल्दी टूटना शुरू कर देता है, जिससे कि हीमोलिसिस होने लगता है और लॉन्ग टर्म में ये एनीमिया कॉज करता है। इमिडिएटली ये जो कॉज करता है वो शरीर हीमोलिसिस कॉज करता है, जिससे कि शरीर यहाँ वहाँ से खून फेंकना शुरू कर देता है। पेट में जाकर के ये गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करता है, उल्टी जैसा आने लगता है, चक्कर जैसा आने लगता है और सांस फूलने लगती है, इस तरह के लक्षण जो आने लगते हैं। 2-3 दिन का अगर डिले होता है तो बहुत जल्दी ये किडनी को प्रभावित कर देता है, क्योंकि किडनी में ये टूटी हुई रेड कोशिकाएं जो कि ख़राब होती जो आगे फंस जाती हैं, जिसके धीरे धीरे यूरिन आना बंद हो जाता है। ऐसे मरीज को अगर आप जानकारी में है तो घर में आप उल्टी कराने की कोशिश ना करें, तत्काल उस मरीज को लेकर के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाए। वहाँ पर हॉस्पिटल में अगर मरीज को कोई दिक्कत है सांस लेने में तो फिर उसको तुरंत ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि जो हीमोग्लोबिन जो ठीक से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है उसकी ऑक्सीजन की कमी को हम पूरा कर सकें। और इसके साथ ही अगर खून को साफ भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके लिए हम अगर मरीज को ये काफ़ी ज़्यादा असर फैल गया है, किडनियाँ ख़राब होने लगी हैं, तो फिर डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। ये डायलिसिस करके खून को साफ करना पड़ता है, जिससे कि जो अच्छा हीमोग्लोबिन है वो शरीर में आ सके, बन सके, और ख़राब हीमोग्लोबिन है जो कि उसको शरीर से हम निकाल सकें, जिससे कि और ज़्यादा फर्दर पेशेंट को हार्म ना हो। तो इस तरह से नेफ्थलीन बॉल नुकसान पहुँचाता है। अब इसमें जो इंजेक्शन जो काफ़ी यूज़ होते हैं, ये मिथाइलिन ब्लू, ये शरीर में मिथ हीमोग्लोबिन को हटा करके दोबारा हीमोग्लोबिन लाने में मदद करता है। दूसरा इंजेक्शन जो इसमें यूज़ होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये दो इंजेक्शन हैं जो कि प्रमुखता से मॉथ बॉल या नेफ्थलीन बॉल की पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये दो इंजेक्शन को दे करके हम मेथ हीमोग्लोबिन को फिर से हम दोबारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मरीज को दिक्कत आना बंद हो जाती है। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि जब भी आप नेफ्थलीन बॉल का इस्तेमाल घर में करते हैं, वैसे तो ऐसा लगता है कि देखने से इसको कि ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और ज़्यादातर बच्चे हुए या घर के आपके पेट्स हैं, बिल्ली है, कुत्ता, ये भी इसको खा लेते हैं, उसमें भी ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो सबसे बढ़िया बात, आजकल नेफ्थलीन बॉल की जगह आपके कैम्फर बॉल आ गए हैं या नीम बॉल्स आ गए हैं और इकलिप्टस बॉल्स आ गए हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए।
पर लेकिन नेफ्थलीन बहुत ज़्यादा देखते हैं ये रेडी वाले जो हैं वो खुले में खूब बेचा करते हैं और इतने सस्ते देते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाता है, लो भाई ख़रीद लो, और इसकी स्मेल थोड़ी अच्छी से रहती है। कुछ लोग इसको रूम फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नहीं नहीं ये रूम फ्रेशनर के लिए नहीं है भैया, इसको कपड़े के लिए में रखने के लिए है, जिससे कि आपकी जो वूलन कपड़े हैं जो कि कम से कम 4 से 6 महीने पड़े रहते हैं उसमें कोई ख़राबी ना हो, उसमें कोई आपके फैब्रिक ख़राब ना हो, उसमें कोई कीड़े ना लगे। एक चीज़ और बताऊँगा, इसको इस्तेमाल करने जब करें और कपड़ों को जब हम निकालें तो आप पहले आप कपड़ों को 2-4 घंटा धूप में जरूर रख दें, हो सके तो उसको जो सॉफ्ट डिटर्जेंट होता है उससे कपड़ों को धो करके ही इस्तेमाल करें, नहीं तो कभी कभी इसमें इतनी ज़्यादा फ्यूम्स हो जाती हैं कि फ्यूम्स जो नाक में चढ़ने लगती हैं और वो भी इन्हेलेशन से भी पॉइजनिंग हो सकती है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से वीडियो मेरा देखते रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, फिर दोबारा जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।